सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। डाउनलोड द ऐप। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी फोटो पे 3 लाइक्स आ गए? अरे नहीं यार, वो सुबह से ना छत पे कौवा काऊ काऊ कर रहा है। तो कौवा काऊ काऊ करेगा और हमा हमा करेगा कौवा? एक कुछ भी बोलती तू। अरे नहीं, कौवा जब काऊ काऊ करता है इसका मतलब कि किसी चाहने वाले से मुलाकात होने वाली है। हो सकता है वही कौवा तुम्हारा चाहने वाला हो। अरे नहीं, जब कौवा काऊ काऊ करता है मतलब कोई मेहमान आने वाला है। अरे वो मेहमानों को साइन दे रहा होगा इनके घर में मत आना, इनके कुछ नहीं मिलता है। जाओ यार कपू, आज के बाद ना मैं तुमसे मुखातिब नहीं होंगी। क्या नहीं होगी? तुम्हें मुखातिब नहीं पता? कल उर्दू वाले शायर आए थे ना राहत इंदौरी साहब, इसने पक्का उनकी डायरी चुराई है। उर्दू चोर कहीं की? मुझे लगता है कि कौवे से ज्यादा काऊ काऊ तो तुम कर रहे हो। और वैसे भी मैं खुशखबरी देने आई थी, और ये शगुन माना जाता है कि जब कौवा काऊ काऊ करता है मतलब कोई आने वाला है। तो तू मिलती रहे, मेरा क्यों टाइम वेस्ट करने आ गई? कौवा काऊ काऊ कर रहा है, अबे चल मैंने नहीं आना। अरे तुम जाकर रुको। अरे मुझे नहीं मिलना किससे। शो आएगा आप भारती, तेरे से पहले ये शो जानदार था, आज शानदार और वजनदार हो गया है। आप कौन? Excuse me. मुझे नहीं बचाना, आप किसी ने नहीं बचाना होगा, क्योंकि जब मैं डांस करते आ रही थी ना, सबने कहा होगा आलिया भट्ट कहां से आ गई। मुझे नहीं बचाना। आई नहीं। इतनी भी कोई जोर से नहीं बची के इतली। आए बड़ी जोर से चुभी जाए। क्या रे, एक मिनट, मेरे को नहीं बचाना? नहीं, तेरी माँ दी कजन हूँ मैं। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। ओके केजरीवाल। अरे इतनी सीधी पैदा हुई थी, मोबाइल से 2 इंच छोटी। पाजी सच्ची कहूं, दिल पे हाथ रख के कहती हूँ, उम्मीद ही नहीं थी कि लड़की घुटनों से ऊपर जाएगी। एक मिनट, न्यू फोन। हाँ निम्मो, हाँ हाँ बम्बे आई है। नहीं नहीं, तू पीछे से कान संभालना, करोल बाग वाला रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ तो मॉडल लड़की चाहिए मर जाने को, तो रुचि की फोटो भेज दे। हाँ हाँ, जो सभ्याचारक ग्रुप में आगे नाचती है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लड़की शादीशुदा तो क्या हुआ, फेरों में चेंज कर देंगे। हाँ हाँ, होटल वाले भी तो वैरायटी चेंज कर देते, फलूदा क्या क्या फ्रूट क्रीम दे देते हैं। चल ठीक है, मर पर जा गया, मर जा तू रख। मर जा, बोल पे क्या कह रही थी? आप लोगों को ऐसी धोखा दी थी, शर्म नहीं आती आपको? देख बेटा, अगर तेरे रिश्ते की बात हो रही हो
और मैं बोल दूं लड़की चार फुटिया है, होंठ फैले हुए है, आड़ू जैसा मुंह है। हाँ आंटी जी ओके बस ठीक है। क्या कहा तूने अभी बेटा? आंटी जी ओके। अच्छा लाल मिर्च कैसी लगती है तेरे को बता? तीखी। पता? तीखी। तीखी। वैसे ही आंटी वर्ड ना मेरे को तीखा लगता है। क्या पुकारूं आपको? छुटकी गुड़िया बेबी लाडो दीदी। चल ठीक है। दीदी आपने अपना नाम नहीं बताया। बबली। अच्छा ठीक है। और वैसे भी जो भी है आपको मेरे रिश्ते की फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने अपने लिए लड़का ऑलरेडी देख लिया है। मैं आपसे मिलवा देती हूँ। कप्पू। कुल्फी वाला है कोई कप्पू कौन है? नहीं मैं उसे प्यार से कप्पू बुलाती हूँ। कप्पू कप्पू क्या है? क्या है ये? कौन है वाटर कूलर कपड़े पहन के घूम रहा है? ये मेरी माँ। कप्पू। एक मिनट, मैं इस शो की बहुत बड़ी फैन हूँ पाजी। ये बंदे के कारण मेरा पेट साफ होता है आपको पता है? ये शो मैं देखती हूँ 9 बजे, फिर रात 1:30 बजे, फिर 4:30 बजे, उसके बाद पेट खाली करके सोती हूँ। एक मिनट कपल जी, एक सेल्फी ले लूँ? बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कसम खाओ। हाँ बिल्कुल। आए ओए। चिलिंग विद कपिल शर्मा शो। कपिल इज बिगेस्ट फैन मेरा। कौन कह रहे कि मैं नहीं कर रही जे शो? कर रही हूं ट्वीट। एक मिनट पाजी हो कि ना आप बोलते ना वो सफाई ध्यान रखा है सारिया एडा एक साथ कर देता ये बंदा। एक बार दोबारा बोल दो जरा। गुड इवनिंग। एक मिनट मैं वीडियो बनाती हूँ। हाँ अभी बोलो पाजी। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। दोबारा बोलूं? हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। ट्रेन तो बाजी मुझे पहले वाला भी ठीक नहीं लगा था। अब मुझे फोन दे दो। वो तो मेहमानों को देते हैं हम। तो पाजी मैं कौन सा आपको इडली देने आई थी? गेस्ट हूं मैं भी। दो ना बाजी। आप फोन का क्या करेंगी? पाजी आपको मिलता है फ्री, मैं बाहर जाके 10,000 का बेचूंगी, 100 रुपए आपको दूंगी, आपका भी पान का खर्चा निकल आऊंगा। पाजी फोन। कौन है ये गुरिल्ले जैसी? हमने तो आज तक सिद्धू जी को भी फोन नहीं दिया। क्यों पाजी उनको फोन क्यों नहीं दिया? क्यों मतलब हम मेहमान थोड़ी वो। खैर चलो छोड़ो नहीं देना फोन, कंजूस एक नंबर का। पाजी प्लीज पाजी कुछ चुभेगा तो नहीं ना? वो सब तो ठीक है, ये है कौन ये? बेटा ये कबो तुम इधर आओ। ये मेरे रिश्ते की बात कर रही थी तो मैंने इनसे कह दिया कि मैंने ऑलरेडी लड़का डिसाइड कर लिया है। ये लड़का देखो। पाजी लड़का तो देखते सारे मैंने टेस्ट कर लिया, पेट भर गया। वाह कमाल का लड़का है। कप्पू। सिद्धू जी। हाँ जी। आपने पहचाना मुझे? पहचाना? तुमने पहचाना? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा है। बेटा तुमने तो कभी बादाम भी नहीं देखे। हाँ पाजी इतनी सी होती थी पार्टी फ्राक पाई हुई, नाक वगदा होना पाजी इसका। हमारे घर में गेस्ट आने, इसने ऐसे मुठिया भर लेनी बादामों की। एक बार तो पाजी मुंह में बादाम भर के कर दी। मैंने कहा बेटा बोलो करती। मैंने कहा क्या हुआ करती? मुझे लगा इसकी दाढ़ दुखती होगी। पाजी खांसी आई फुर्र करके बादाम उधर पकड़ी गई। अभी भी नहीं पहचाना? याद कर जब 1 रुपए का सिक्का निकल गई थी। हाँ कितने मुक्के खाए थे मैंने इसके बाप को ऐसी सुनाई ना पाजी। फिर कहा उसने 50 पैसे दिए, बात रफा दफा की। अभी भी नहीं पहचाना? जब मैं लॉलीपॉप चूस रही थी मैंने ऐसे कूड़े में फेंक दिया पाजी, बिल्ली से ज्यादा लंबी छलांग मार के कूड़े से लॉलीपॉप निकाल लिया। अभी भी नहीं पहचाना? पहचान गई मैं दीदी, पहचान गई। तेरे ऐसे रिश्तेदार आते ना तो मेरे को पहले बता दिया कर ताकि हम कहीं दूर चले जाएं। दूर चले जाएं खिड़कियों से देखे पाजी मैं हुई इतनी हॉट। कप्पू मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ कप्पू। हाँ तुम बरात ले जाओ उसके साथ। कप्पू पप्पू हट इधर। वैसे काफी अच्छे लग रहे हो शेरी। शेरी को मैं उस वक्त से जानती हूँ जब करोल बाग में रैली में आए थे फर्स्ट टाइम। मैंने हाथ मिलाने के लिए गाड़ी में अंदर हाथ किया और शीशा चढ़ा लिया। नोएडा तक ऐसे ऐसे पीछे भाग के गई थी मैं इनके।
क्योंकि बंदा प्यार बहुत करता, अगर नहीं करता तो शीशा खोल देता। तो आप सच में पाजी को जानती है पहले से? बेटा पाजी तो अर्घ हो गए, मेरे तो बाबू है। शेरी, एक्चुअली इन्होंने मेरे कारण ही सरकार ज्वाइन की है। हा? मैंने इनको एक बार कहा था शेरी, इन्होंने यही वाली पार्टी ज्वाइन कर ली। ओ माय गॉड, हेलो हेलो। हाँ निमो, एक लड़का और चाहिए, एक मिनट। गिटार वाले क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश। दिनेश, हाँ हाँ निम्मू, लड़का है, दीनू नाम है उसका। एक मिनट, कितना कमाते हो? 40,000। 4,00,000? अरे 40,000? हाँ हाँ 4,00,000। अरे मासी 40,000? नहीं नहीं, ट्रेन में उन्होंने मंगती बोल रही है। हाँ या, या। नहीं नहीं, इधर बॉम्बे में बड़ा रिलेशन बनाते हैं, मालिक लोग को ऐसे मासी मासी बोल देते हैं। हाँ नहीं नहीं, हैंडसम है लड़का। हाँ चल ठीक है, मैं देखती हूँ। आप ऐसे कैसे झूठ बोली थी, आपको शर्म नहीं आ रही? बेटा टॉयलेट और धंधे में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए, पाजी जहाँ आ जाए कर दो। आप कौन हैं? मेरे को नहीं पहचाना? नहीं बेटा, मैं वो जिसे तुम आज तक नहीं मिले। अच्छा, चंदू ये मेरी दूर की दीदी हैं। अच्छा, क्या नाम है इनका? बबली। बबली, ये तो मेरे को कोई बुलबुला लग रही है। ये दूर की बबली है तो ऐसी हैं, पास की होती तो ऐसी की तैसी होती। उए, 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 उए। बेटा इधर आ। हाँ जी। उए, उए, उए। ऐसे कर। एक बात बताऊं? मेरी बात क्या सुन। नाम था तुम्हारा? चंदू। वाह बेटा, तुम इतने प्यारे हो, तुमको पता तुम्हारी तारीफ होगी। कैसे? जब 110 किलो का पहाड़ तुम्हारी पीठ पे पड़ेगा ना, फिर लोग कहेंगे वाह चंदू कितना अच्छा आदमी था जो 110 किलो का वेट लेके भी 3 मिनट जिंदा रहा। ऐसे दीदी, ये चंदू चाय वाला है। लेकिन एक बात बोलूं बेटा, जैसा मर्जी है तू, तेरी शादी हो गई है? शादी के नाम पर बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो दूर हो गई है। लेकिन हाँ जी, अब मोहल्ले में बबली आ गई है। तेरे लिए रिश्तों की लाइन लगा दूंगी मैं। रिश्तों की लाइन रहने तो, बस इसको थोड़ा लाइन पे ले आओ, क्योंकि ये मेरे को थोड़ी अच्छी लगने लगी है। हाँ, और मुझे भी ना थोड़ी थोड़ी पुलिस को बुलाने की आदत हो गई है। या पाजी, मेरी फीलिंग्स हैं GST जो इसको समझ नहीं आ रहा। ए, बबली तुम कुछ करो ना प्लीज। ओए, एक मिनट, तालियों में सुना ही मैंने क्या कहा? बबली इधर आओ बतक। क्या बबली? तालियां। हाँ। दिन में 2-3 बार मेरे को चाय मिलेगी। हाँ। थोड़े दिनों बाद ये लड़की तेरे को मिलेगी। बस ठीक है, फिर आज के बाद आपकी रगों में खून नहीं, मेरी चाय दौड़ेगी। मैं जाकर चाय की तैयारी करता हूँ। सरला, तुम जाकर विदाई की तैयारी करो। विदाई होगी, लेकिन मेरी नहीं, तेरी चंदू, इस सोसाइटी से। बबली क्या कह रही है? अरे ना बेटा, जैसा तेरा मुंह, तेरे को कोई गुड़ ना ऑफर करे तो फिर भी खीर जैसा लड़का है। सुन लिया, मैं चाय की तैयारी करता हूँ। क्या बेटा? अभी आया, अभी रुको। ये क्या है? ये जनरेटर को कपड़े किसने पहना दिए? क्या ये? छोटे तो हाथी होते हैं। एक मिनट, आप लोग लड़िए मत, आप लोग लड़िए मत। दीदी, ये बम्पर है हमारे हॉस्पिटल में नर्स, और ये दीदी है। नर्स आई तो मुझे लगा ड्रम है।
ये क्या है, क्या ये चीजें करती क्या है? करोल बाग में रिश्ते करवाती हूँ। लेकिन आप रिश्ते कराती है तो इसके मम्मी पापा को कोई अच्छा सा रिश्ता करवाती ना, कम से कम रिजल्ट तो अच्छा आता। एक मिनट, एक मिनट करने दे। ऐसे क्यों बोला हाँ कि रिजल्ट तो अच्छा? चलो कोई बात नहीं, अगर आप रिश्ते कराती है ना तो मेरा भी एक अच्छा सा रिश्ता करवा दीजिए। चलिए। मैंने देख लिया, आते ही मैंने मैसेज किया तुम्हारे लिए, अच्छा सा सेहतमंद ना पेंगुइन देखा मैंने। मजा आएगा, वहां से तुम आओगी जयमाला लेके छोटी इलाके, इधर से पेंगुइन। सो फनी मोमेंट। मैंने ना आपके लिए एक अच्छा सा ऑटो देखा है, आप जाएंगी या उसके नीचे आएंगी? सरला, इतनी दूर से तुम्हारी मौसी पहली बार आई, इनको बाहर लेके जाओ, इनको किसी ट्रक के नीचे दो, इधर क्यों खड़े हो? गर्मी में ना कोई चाय पानी, हट इधर, कबूतर देखो सामने, ऐसे रहना, और कोनी थोड़ी ऐसे करो, ये खुरको हो रही थी। हट, चलो चलो फटाफट अंदर निकलो, हमारे मेहमान आ रहे हैं, चलो लेके जाओ इनको अंदर। चलो चलो हो गया, निकलो। एक मिनट सरला, ऐसे लड़के करोल बाग में होना पाजी, मैं 10-15 बारी शादी करवा दूं। नहीं नहीं, सिर्फ मुझे करनी है ऐसे शादी। क्यों क्यों उसकी लाइफ खराब करूं मैं? वाह, आप एक बात बताइए, आप इतना लंबा लंबा छोड़ती है, हमारी सोसाइटी क्यों नहीं छोड़ देती? How funny यार, इतनी बारी किया हमको दिया नहीं, अकेली खा गई हूं। चल ठीक है, जाती हूँ मैं। सरला, तुझे मटर वाले चावल पसंद है? हाँ। खीर पसंद है? जा, तू भी क्या याद रखेगी, आज तेरे को मौका देती हूँ मैं, पनाह मेरे लिए। चल मारे, किधर जाना है? चलिए। किधर? चलिए। माचा तो। चल चल, आई पड़ी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।